हेलो सम्मानित मित्रों, एस्ट्रो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आप सभी का ज्योतिष मित्र जगदीश सोनी। आज मैंने आपको इस वीडियो में ईशान कोण में बने हुए टॉयलेट के बारे में कुछ बातें बतानी हैं, आपको कुछ उपाय बताने हैं। तो मैं बात कर रहा हूं ईशान कोण में बने हुए टॉयलेट यानी शौचालय की। आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान के नॉर्थ ईस्ट में यानी ईशान कोण में अगर टॉयलेट है, आपका शौचालय है, तो ये काफ़ी बुरा प्रभाव देने वाला वास्तु दोष है। इसके कारण से आपकी संतान को काफ़ी कष्ट हो सकता है, संतान बीमार रह सकती है, संतान को विद्या प्राप्ति में, शिक्षा प्राप्ति में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति पर भी बृहस्पति का बुरा प्रभाव हो सकता है। वो इसलिए मित्रों की नॉर्थ ईस्ट का ईशान कोण का स्वामी हमेशा बृहस्पति ग्रह होता है। तो इसलिए अगर आपका टॉयलेट, आपका शौचालय ईशान कोण में है, तो ये मानकर चलना चाहिए कि बृहस्पति ग्रह आपको काफ़ी बुरा प्रभाव दे रहा है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? आपको सबसे पहला उपाय तो यही है मित्रों कि अगर आप उस ईशान कोण के टॉयलेट को हटा सकें तो ये बहुत अच्छा उपाय होगा। और अगर आप उसे हटाने की स्थिति में नहीं हैं तो फिर क्या करना चाहिए? ईशान कोण में बने हुए टॉयलेट का उपयोग, उसका यूज कम से कम कर देना चाहिए। इसके अलावा आप उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखें और एक कांच की प्याली में समुद्री नमक भरकर उस टॉयलेट में रख दें। उस नमक को हर 15 दिन के बाद बदलते रहें, इससे भी वहां पर बनी नेगेटिविटी काफी कम हो जाएगी, इसका अशुभ प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा ईशान कोण में, ईशान कोण के किसी भी दूसरे स्थान पर यानी कि वहां बने हुए शौचालय को छोड़कर कहीं भी आप बृहस्पति यंत्र स्थापित करवा दें। जो एरिया ईशान कोण में आता हो उस एरिया में अगर बृहस्पति यंत्र स्थापित करवा दें तो इससे भी ईशान कोण में बने हुए टॉयलेट का प्रभाव काफी कम हो जाएगा। और बृहस्पति ग्रह की पूजा जरूर करनी चाहिए। प्रतिदिन आपको ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करने से भी ईशान कोण में बने हुए टॉयलेट का बुरा प्रभाव नहीं मिलता।